हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अवंतिका मिश्रा, स्वागत है आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं के बारे में। नवजात शिशुओं को जैसे कि 0 से 6 मंथ के बच्चे या फिर उससे थोड़े बड़े बच्चे जो होते हैं, उनको कभी कभी ऐसा होता है कि एलर्जी हो जाती है या फिर उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उनके जो पीठ पर या फिर नेक पर या इसके अलावा फेस पर भी कभी कभी वाइट स्पॉट हो जाता है। तो ये जो समस्या होती है ये बहुत ही आम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसे घरेलू टिप्स को फॉलो करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस समस्या को दूर कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप शुरू में इन सभी टिप्स को फॉलो करके देख लीजिए, और अगर आपको 1 या 2 दिन या फिर 3 दिन में थोड़ा सा भी अंतर नहीं लगता है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बच्चे के मामले में बहुत ज़्यादा लापरवाही करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, 1-2 दिन तक आप देख सकते हैं घर पर इन सब चीज़ों को ट्राई करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो जो मेरा सबसे पहला टिप है वो है आपके लिए एलोवेरा का जेल। अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले उसको एलोवेरा का जेल लगा करके एक बार देखिए। एलोवेरा जेल का यूज़ मैंने भी अपने बच्चे के लिए किया है, क्योंकि मेरे भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई थी और मैंने अपने बच्चे को एलोवेरा जेल ही लगाया है, जिसकी वजह से उसको ऐसी जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। 2 से 3 दिन में उसको दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन आपको अगर फ्रेश एलोवेरा का जेल मिल रहा है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट से पतंजलि का या फिर नेचर्स का जो भी आपको मिल रहा है आप वो भी एलोवेरा का जेल ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, आप जो ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चे को पिलाती हैं आप वो ब्रेस्ट मिल्क ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर में हल्दी का पाउडर आप मिला लीजिए। ये याद रखिएगा कि हल्दी जो है वो उसमें मिर्चा या फिर कुछ और तरीके का प्रोडक्ट मतलब ना मिला हुआ हो। आप फ्रेश हल्दी ले लीजिए और उसको पीस लीजिए, या फिर आप जो हल्दी यूज़ कर रही हैं आप उसको एक बार चेक कर लीजिए कि वो हल्दी प्योर है या फिर नहीं है। तो आप वो हल्दी ले लीजिए और 1 चुटकी के बराबर हल्दी उसमें मिला लीजिए, और उसको आप अपने बच्चे की उस एरिया पर लेप की तरह लगा दीजिए, और थोड़ी देर 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे लगा रहने दीजिए। उसके बाद में आप उसको साफ़ कर दीजिए किसी कपड़े से, क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, और अगर आपके बच्चे को ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा तो वो बहुत जल्दी हल्दी से दूर हो जाएगा। और ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है किसी भी तरह की स्किन की एलर्जी के लिए। बच्चों को डायपर रैशेस भी होते हैं तो भी ब्रेस्ट मिल्क आप लगा सकती हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रहता है, बच्चे के जो रैशेस होते हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आप तीसरा जो है वो अपने बच्चे का जो लार होती है, आप अपने बच्चे की जो लार है उसको भी लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को स्किन में कोई भी एलर्जी है, सफ़ेद दाग जैसे प्रॉब्लम है, आप उसमें अपने बच्चे का जो थूक है यानी कि जो लार है आप उसको थोड़ा सा ले लीजिए और उस एरिया पर लगा करके छोड़ दीजिए। आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर बच्चे के ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना या फिर किसी और का जो सलाइवा है वो यूज़ नहीं करना है, आप सिर्फ अपने बच्चे का सलाइवा ही इस चीज़ के लिए यूज़ कीजिए, और उसको आप दिन में 1 से 2 बार या फिर 3 बार भी लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत जल्दी बच्चे को आराम मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को किसी भी तरीके का स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस टाइम पर अपने बच्चे की जो मालिश कीजिए वो सिर्फ़ और सिर्फ नारियल के तेल से कीजिए, और कोई तेल आप अपने बच्चे के लिए यूज़ मत कीजिए, क्योंकि नारियल का तेल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और आप ये भी कोशिश कीजिए कि आप प्योर वर्जिन ऑयल ही यूज़ कीजिए, आप जो अभी मतलब पैराशूट ऑयल जो आता है आप नॉर्मली देखते हैं उसको आप यूज़ मत कीजिए, प्योर वर्जिन ऑयल नारियल का लीजिए, कोकोनट ऑयल, और उसी को आप अपने बच्चे को लगाइए, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है किसी भी तरीके की स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी चीज़ों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके बच्चे को।